मध्य प्रदेश की सीमा खेतिया पर नगर पंचायत द्वारा स्थापित पशु बाजार में बड़ी संख्या में पशुओं का क्रय विक्रय होता है। आज बाजार का दिन होने पर विश्व हिंदू परिषद व गोरक्षा समिति के सदस्य द्वारा पुलिस को बताया गया कि महाराष्ट्र की ओर कटने के लिए बेल ले जाए जा रहे हैं। पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दो वाहनों को जब्त करते हुए बेलों को गौशाला भेजा है। खेतिया का पशु बाजार निरंतर चर्चाओं में रहा है, जहां एक ओर नगर पंचायत की आय का स्रोत है व कई पशु बगैर नगर पंचायत की रसीद कटाए ही यहां से निकाले जा रहे हैं और शासन को सीधे सीधे हानि पहुंचाई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद व गोरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा आज वाहन पकड़े जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर वाहन जब्त किए। पशुओं के क्रय विक्रय का प्रमुख केंद्र खेतिया का पशु बाजार है, जहां बड़ी संख्या में पशु पहुंचते हैं। वहीं मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से पशुओं को खरीदने वाले भी यहां पहुंचते हैं। खेतिया से जितेंद्र सनेर की रिपोर्ट। तो से भरा वाहन की कायमी की है सर, क्या बताएंगे सर? विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता फोन है, आपको गोरक्षा प्रमुख कृष्णा प्रसाद वगैरह बता रहे थे, जिन्होंने आज क्या शनिवार का दिन था, हाथ होने के कारण पिकअप और उसमें ले जाते हैं महाराष्ट्र में, उनको ये लगा कि ये बेल जो है कटने के लिए लेके जा रहे हैं। इसी शंका के आधार पर वो लोग गाड़ी लेकर आए फोन पर, तो जिस तरह से हम कायम किए हैं एफ आई आर दर्ज हो चुकी है और गौशाला में जो भी वाहन पेड़ जब्त किए थे उनको गौशाला से भिजवा दिया। कितने वाहन थे सर? दो वाहन थे, उसमें सिकेड़े थे। कितने सर उनकी रसीद मिली सर? हाँ, एक लोग की रसीद मिली है, बाकी लोगों की रसीद नहीं है। बाकी की रसीद नहीं है सर? रात में भी यही मामला आया था, कोई बेचने आता है उनके पास रसीद देती है, जो नहीं बिकता है तो वापस लेके चले जाते हैं। सर रात में भी यही मामला आया था? नहीं, रात में तो नहीं है, ऐसा अच्छा मामला नहीं आया था। ओके।